ऐसे ही जिंदगी है। में मजबूरियां कौन सी फेस की? आशिक तो होता मजबूर है, लेकिन वैसे बिल्कुल ही जरा प्रोफेशनल लाइफ में आके जरा मजबूरी देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, मजबूरियां तो बेसिकली ये है कि आपने जो है वो एज अ मैन जो है वो आपने फैमिली को जो है वो मैनेज करना है, ठीक है ना। हमारे जो वेस्टर्न सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में जो मेजर फ़र्क है कि यहाँ पे सारा लोड जो है मेजॉरिटी केस में जो है वो मैनहुड के ऊपर है, और जो है फीमेल्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फाइनेंशियल नहीं है, वो हाउस होल्ड के ऊपर बेस्ड है। जी तो ऐसा नहीं है कि दोनों की कोई कमी बेशी है, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट ड्यूटीज़, डिफरेंट टास्क, तो इस तरह आदमियों को जो है डिफरेंट हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, औरतों को डिफरेंट हार्डशिप से गुजरना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट, सेम गोल विद डिफरेंट एक्टिविटीज विच जी दे बोथ मैनेज इन लाइफ। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। एंड समटाइम्स हम उसको बड़ा नेगेटिविटी की तरफ भी ले जाते हैं जब भी जी डिसाइड हाँ कि इसने ये काम करना है तो इसने ये काम करना है। बट यू नो व्हाट आई थिंक, कि जो जहाँ खुश है, जो जहाँ कंफर्टेबल है, लेट इट बी देयर। हम उनको ना जाके सिखाएं कि आपने ये क्यों नहीं किया, हमने ये ज़िंदगी में कर लिया, आपने क्यों ना किया। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा डिलेमा ये है सोसाइटी के अंदर के जो है आदमी के लिए औरत का अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना जो है वो बर्दाश्त में नहीं है फॉर सम रीज़न। हमारे ब्रॉटअप में इशू है या घर के माहौल में उसने औरत का वो ट्रीटमेंट देखा जिसकी वजह से जो है वो उसने हमेशा जो उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की। ऑब्वियसली हमारे मासिस के अंदर जो है वो ऑब्वियसली औरत का जो रोल है वो इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि दैट शी इज़ गुड फॉर नथिंग, बट हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा ऑब्वियसली वो नहीं, है तो बिल्कुल आपके बच्चे बिल्कुल। हैं जिसने ग्रूम करना है, जिन्हें ग्रो करना है, उसकी बेसिक तरबियत। हालांकि आप कितने भी पढ़े लिखे हों पर अगर आपकी घर की तरबियत सही नहीं तो आप पढ़े लिखे जानवर भी हो सकते हैं, और अगर आपकी घर की तरबियत अच्छी है और आपने क्वालिफाइड नहीं भी हैं तो भी आप इंसान हो सकते हैं बहुत बेहतर बड़ी ज़िंदगी में। अच्छी, बड़ी अच्छी बात की आपने, और ये वाकई समझने की बात है। तो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड एन ह्यूमन। खाता वो यस, भी है, बच्चे भी उसने पैदा बाज करने हैं, दफ़ा सब कुछ वो एजुकेशन कर रहा वोंट होता डजेंट है। मेक अ डिफरेंस, घर की तरबियत मेक्स अ डिफरेंस। तरबियत, बिल्कुल।